इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल हुक की। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास कंस्ट्रक्टर है। जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, कंस्ट्रक्टर और एक एनजी ऑन एनिट। तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैंने कंसोल लॉक कर दी है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, एनजी ऑन एनिट पे कंसोल लॉक की है, एनजी ऑन एनिट कॉल्ड। तो इसको हम देख लेते हैं। तो जब मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया तो सबसे पहले मेरे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर उसके बाद एनजी ऑन इनिट कॉल हुआ है। तो जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगी फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास दोनों इसी तरह कॉल होते जाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल और एनजी ऑन इनिट कॉल। उसके बाद हमारे पास अगला लाइफ साइकिल हुक आता है एनजी ऑन चेंज। तो मैं यहाँ से इसको छोड़ के यू कर लेती हूँ। और इसको हम साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑन चेंजेस, और उसके बाद ये जो ऑन चेंजेस होती हैं ये हमारे जाती हैं इम्पोर्ट एंगुलर कोर के अंदर, जिस तरह ऑन इनिट था और ऑन चेंजेस था। इस ऑन चेंजेस में हमारे पास एक पैरामीटर में जा रही होती है वैल्यू सिंपल चेंज, ये भी हमारा एंगुलर कोर से इम्पोर्ट हुआ होता है, जिस तरह यहाँ पर पहले इम्पोर्ट हुआ हुआ है तो ये इम्पोर्ट हुआ है सिंपल चेंज। अच्छा, इस पे यहाँ पे मैंने कंसोल लॉक करवाया एनजी ऑन चेंजेस और कंसोल लॉक इसके चेंजेस कंसोल लॉक करवाइए। तो वो देखते हैं वो किसको कंसोल लॉक करेगा, ये जो इनपुट वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये जो इनपुट सर्वर एलिमेंट आ रहा है ये इसको लेगा, टाइप इसके स्ट्रिंग है, नेम और ये तीनों चीजें इसमें आएंगी। तो इसको अगर मैं यहाँ से सेव करूँ, एक मिनट वो कर लेते हैं, कॉपी कमेंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये वाला बटन ना आए। अच्छा, तो जो ही मैंने ये रन किया तो मेरे पास इस एलिमेंट के अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर एनजी ऑन चेंज, फिर एनजी ऑन इनिट। एनजी ऑन चेंज हमारा पहले कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, फिर एनजी ऑन इनिट कॉल होता है, फिर हमारा एनजी ऑन एनजी चेंज कॉल होता है, फिर एनजी ऑन इनिट कॉल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट के अंदर अगर मैं जाऊँ, एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास करंट वैल्यू है, तो जो तीन हमारे पास पैरामीटर उसमें आ रहे हैं, कंटेंट नेम और टाइप जो है, टाइप सर्वर है और ये चीजें आ रही है मेरे पास, और फर्स्ट चेंज है तो वो ट्रू आ रहा है, प्रीवियस वैल्यू अनडिफाइंड है। तो उसको हम देखने के लिए कि प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, तो मेरे पास ये जो आ रहा था सर्वर एलिमेंट के अंदर अगर मैं जाऊँ डीएस में, तो ये जो इनपुट का टैग मेरे पास सर्वर एलिमेंट के अंदर आ रहे थे, ये तीन चीज़ें इसने मुझे एनजी ऑन चेंजेस के अंदर दे दिए। तो सबसे पहले हमारा क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर, फिर एनजी ऑन चेंज, फिर एनजी ऑन इनिट कॉल हुआ। तो इसको हम देखने के लिए कि जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, उसके लिए हमने क्या किया कि ऐप कंपोनेंट के अंदर ये जो बटन है ये वापस में इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बटन यूज किया है चेंज फर्स्ट एलिमेंट के नाम से, तो बूटस्ट्रैप क्लास ऐड की है प्राइमरी, और क्लिक का फंक्शन लगाया ऑन चेंज फर्स्ट। ऑन चेंज फर्स्ट के अंदर क्या किया है मैंने कि दिस डॉट सर्वर एलिमेंट डॉट नेम उसका चेंज कर दिया, और सर्वर एलिमेंट के जो एच डी एम एल है यहाँ पर ये जो एलिमेंट डॉट नेम है उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, और ये वाला कॉपी किया और सिर्फ नेम यहाँ पर लिख दिया, और टी एस में जो एट द रेट इनपुट में नेम स्ट्रिंग कर दिए, ये जो नेम ले रहे। अब अगर इसके अंदर मैं जाऊं इसको रिफ्रेश करते हैं ऐप की एचटीएमएल, सेव न्यू हुई फाइल, टर्मिनल, तो यहाँ पर मेरे पास चेंज फर्स्ट एलिमेंट आ गया। तो कंस्ट्रक्टर एनजी ऑन चेंज, एनजी ऑन नेट और चेंज फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, नेम करंट वैल्यू चेंज है, फर्स्ट फॉल्स आ रहा है मेरे पास, फर्स्ट चेंज कोई था नहीं, प्रीवियस वैल्यू क्या है, टेस्ट सर्वर है।
तो इस तरह हमारा ये अभी कॉल हुआ है एनजी ऑन इनिट, पहले एनजी कंस्ट्रक्टर पे एनजी ऑन चेंज पे एनजी ऑन इनिट कॉल हुआ है। फिलहाल हमने इसमें तीन, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं फेसेस। पहले हमने देखे कंस्ट्रक्टर हमारा पहले रन होता है, फिर एनजी ऑन चेंज होता है, फिर एनजी ऑन इनिट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके और फेसेस डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।